अपने मोमिन भाई को समझा लो कि अपनी फीमेल स्टूडेंट्स को हरास करना बंद करें। मोमिन भाई ऐसे नहीं है। तुम्हें नहीं पता मोमिन भाई कैसे हैं। अपनी स्टूडेंट पे आशिक होए हुए फिर रहे हैं और अब तो उसके घर भी जाना शुरू हो गए। अगर वो अपनी हरकतों से बाज ना आया तो अगली दफा मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा, लेकिन आशी की शादी के बाद अगर कोई ऐसी बात निकली तो बहुत पछताओगी तुम। कहाँ घुमा, नाश्ता तो करो। कोई काम हो तो बता दो, अब बाजार जा रहा हूँ। इतनी सुबह बाजार? शादी हमारे बेटे की है, बाजार वालों की नहीं है जो इतनी सुबह आपके लिए दुकानें खोलेंगे। बाजार बाद में जाऊंगा, पहले जमील की तरफ जाना मुझे। खैरियत? कुछ मामला तय कर रहे हैं और उसे मेहंदी की तकरीब की दावत भी तो देनी है। देखो ना, जरूरी तो नहीं है कि वो अपने घर में खर्चा करते फिरे। फरी और आशी की मेहंदी अगर एक साथ हो जाए तो उसमें क्या हर्ज है? हाँ, लेकिन ये बात तो मैं आंसा से कर चुकी हूँ। जमील बाप है आशी का, उससे इजाजत लेना मेरा फर्ज है। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। ओके। आपा, मुझे कोई शक नहीं मोमिन पर, लेकिन जमील के कान में किसी ने ये बात डाल दी है कि मोमिन किसी और लड़की में दिलचस्पी रखता है। अच्छा, तो तुम तस्दीक करने आ गई। शर्म नहीं आई तुम्हें ये सब कहते हुए? शर्म से ही तो ये बात नहीं कह पा रही थी, आपने मजबूर किया तो कह दिया। तस्दीक तो चाह रही हो ना तुम? आपा, मुझे कोई शक नहीं है मोमिन पर, जमील ने उसको किसी लड़की के साथ देख लिया। यकीन करें, अगर मैं देख लेती तो कभी यकीन ना करती, लेकिन जमील ने कहा जाके मोमिन से बात करो। जमील कहीं शहजाद से वो बात ना करते? आपा, एक बात करनी है आपसे। कहो। आपको याद है ना जिस लड़के ने मेरा रास्ता रोका था? उसने मुझे कहा था कि भाई अपने किसी स्टूडेंट से। तुम अभी तक ये बात नहीं भूली हो? बात तो सुन ले मेरी। फजूल बातें मत कर, अम्मी ने सुन लिया तो बहुत डांटेगी। और प्लीज आज अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, कल मेहंदी है, फिर बारात, ये दोनों दिन तुम्हारे जाया, और फिर तुम्हारा एग्जाम है। आप मेरे एग्जाम की फिक्र ना करें, मेरी तैयारी मुकम्मल है।